हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक सूरज मंडल के एक अनदर एपिसोड में। तो आज की इस एपिसोड में रहने वाला है सांता क्लॉस। जैसा आप लोग सभी से जानते हो सांता क्लॉस कौन है, तो सांता क्लॉस को मैं ड्रॉ करने वाला हूँ इस एपिसोड में। मतलब आप सभी लोगों को सबसे पहले मेरी क्रिसमस इन एडवांस एडवांस कर लिया है। मैं मेरी क्रिसमस मतलब क्रिसमस की ड्रॉइंग है ये सांता क्लॉस को। मैं वाटर कलर में ड्रॉ करने वाला हूँ। मतलब आप अगर मेरे चैनल पर नया व्यूअर्स हो तो आप तो देखे हो मैं कुछ रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया है सभी स्केचेस है। लेकिन जो अभी जो मतलब वीडियो है इस वीडियो पे वाटर कलर करूँगा और भी मैं फ्यूचर में ऑयल पेंटिंग और वाटर कलर बहुत ही कुछ ले आने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रहिए और लाइक करते जाइए वीडियो को लाइक करिएगा। तो अब तो अच्छी जो वीडियो है मतलब जो ट्यूटोरियल है सांता क्लॉस को वाटर कलर में ड्रॉ करेंगे करेंगे। तो आज की जो ट्यूटोरियल है उसे स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा सांता क्लॉस का ड्राइंग जो मैंने अभी वाटर कलर का ट्यूटोरियल करके दिखाऊंगा। तो ये मैं सिंपल सी HB पेंसिल का यूज़ करके मैं उसको स्ट्रक्चर कर लेता हूँ पहले। तो स्ट्रक्चर के बाद उसको डिटेलिंग में ड्रॉ करने वाले। तो जैसे जैसे देख रहे हो मेरा आँख कंप्लीट हो गया और नोज। तो ऐसे आपको पूरा ड्राइंग ही कंप्लीट कर लेना है सबसे पहले, उसके बाद तो वाटर कलर। और ये मेरा टाइम लैप्स वीडियो किया है पूरा, जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा ड्राइंग कंप्लीट। तो आप वाटर कलर करना स्टार्ट कर चुका हो। वाटर कलर में सबसे पहले तो वाटर है, तो वाटर ज़्यादा देना होगा और कलर कम। तो अब तो देख ही सकते हैं मेरा कलर में कितना ज़्यादा वाटर दिया हुआ है। तो वाटर कलर ऐसा ही होता है, बहुत ही अच्छे कलर होगा ये देखिए। और आप अगर ऐसे ही और भी ज़्यादा वाटर कलर के वीडियो देखना चाहते हो तो अभी मेरे नीचे कमेंट कीजिए आप अगर देखना चाहते हो तो। और अगर आप स्केच ही ज़्यादा पसंद करते हो तो स्केच कीजिए कमेंट, तो मैं डिसाइड करूँगा आगे अगले वीडियो पर स्केच और वाटर कलर कुछ भी सर्च हो सकते हो। जैसे कि ये सांता क्लॉस हो रहा है देखिए। मैं ये जो कलर कर लो स्कारलेट और जो कोबाल्ट ब्लू ह्यू है उसको यूज़ करके मैं ये डार्क कर रहा हूँ। स्कारलेट और कोबाल्ट ब्लू ह्यू जो आर्टिस्ट वाटर कलर है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो ब्रश है वो तो मार्केट में हर जगह नहीं मिलता है, सुनाई का है। ये बहुत ही महंगा है क्योंकि ये जानवर की वाल से किया हुआ है इसलिए। और जैसे कि मैं इसका जो ब्लेड है उसको भी हल्के से शेड दे रहा हूँ जैसे स्केच में करता है। इसको थोड़ा सा अलग टेक्निक है और भी ज़्यादा वाटर कलर भी वाटर कलर का भी टेक्निक है। तो ऐसे मैं वाटर कलर के भी ट्यूटोरियल छोड़ूंगा मेरे इस चैनल पर ही। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर लोगों के पास पहुँच सके और मेरा चैनल ग्रो हो सके, तभी मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो छोड़ूंगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये तो मैं बताया। और आपका काम है मेरे इसको शेयर करना, अगर शेयर करोगे मेरा तो बहुत हेल्प हो जाएगा और आपको भी मतलब अच्छे अच्छे वीडियो मिलता रहेगा। मैं बहुत मोटिवेट होगा लाइक और कमेंट करने से। तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके, बड़ा हो सके। मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा चैनल भी बहुत ही छोटा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो तो और भी डार्क कर रहा हूँ इसी तरह से कलर। ये मैं आर्टिस्ट कलर का यूज़ कर रहा हूँ। और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और जो मैंने बताया आप ज़्यादा कौन सी ड्राइंग पसंद करते हो वो आपको कमेंट में बताना है। जैसे कि जैसे जैसे ये मेरा ड्राइंग कंप्लीट होता जा रहा है आप देख ही सकते हो बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो ये मेरा ड्राइंग हो गया कंप्लीट। मेरी क्रिसमस का जो ड्राइंग है अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आप भी ड्राइंग प्रैक्टिस कीजिए। मैं फ्यूचर में और भी वाटर कलर का ट्यूटोरियल और स्केचेस का बहुत ही कुछ ट्यूटोरियल लेकर आने वाला हूँ, इसलिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कमीशन वर्क करवाना चाहते हैं मेरे से तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और व्हाट्सएप नंबर भी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, चेक कीजिए। तो उधर से मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
तो कॉन्टैक्ट, आप अगर कमीशन ऑर्डर करना चाहते हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सबसे लास्ट में डू इम्प्रूव डू प्रैक्टिस टेक केयर, और सबसे लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए।